हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वंशिका क्लासेस। टुडे इज आवर टॉपिक अबाउट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑन नंबर लाइन। आज मैं आपको नंबर लाइन का यूज बताऊंगी, किस टाइप से किया जाता है और नंबर लाइन होती क्या है। सबसे पहले मैं उसके लिए आपको जानना जरूरी है नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? एक प्राकृतिक नंबर, इनकी जो स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से होती है? वन से। कहाँ से होती है इनकी स्टार्टिंग? वन से। वन, टू, थ्री, अप टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मीन्स, कुछ स्टूडेंट्स हैं इनको मीनिंग क्लियर नहीं होता, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मीनिंग क्या होता है? इनफाइनाइट मीन्स अनंत, जिसके बारे में हमें नहीं पता। जैसे काउंटिंग है, हमें नहीं पता कि काउंटिंग का एंड कहां पर होता है, तो उसे क्या बोला जाता है? इनफाइनाइट। जो नंबर वन से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाएं, उन नंबर्स को क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर। कौन से नंबर? नेचुरल नंबर। नेक्स्ट नंबर है होल नंबर। कौन से नंबर? होल नंबर। होल मतलब सारे नंबर। होल नंबर्स, जो होल नंबर्स हैं वो कहां से स्टार्ट होते हैं? जीरो से। कहां से स्टार्ट होते हैं? जीरो से। जीरो अप टू इनफाइनाइट नंबर्स, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, जीरो टू इनफाइनाइट नंबर इज कॉल्ड होल नंबर्स। नेक्स्ट नंबर है इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होते हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव, सभी टाइप के नंबर आते हैं, इंक्लूड विद जीरो, जिनके बीच में जीरो भी आता है, नेगेटिव नंबर भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर भी आते हैं। हम इनका यूज देखो कहाँ करते हैं? हम टेम्परेचर देखते हैं। कभी कभी क्या होता है, टेम्परेचर नेगेटिव हो जाता है, माइनस में चला जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो हम किससे शो करते हैं उनको? इंटीजर्स के साथ। तो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, इंक्लूड क्या इंक्लूड करते हैं हम इसमें? जीरो। कौन से नंबर होते हैं? पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर्स। अब मैं आपको नंबर लाइन शो करके नंबर लाइन के थ्रू क्या बताऊंगी? एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना और मल्टीप्लिकेशन करना। देखिए अब हम क्या करेंगे, ऐड ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर मैं आपको ऐड करना सिखाऊंगी। देखिए 6 + 3, 6 में 3 नंबर हमें क्या करने हैं? प्लस करने हैं। मैंने ये नंबर लाइन बनाई है, दिख रही है आपको नंबर लाइन? अब देखिए, वैसे तो आपको नॉर्मल पता है कि 6 में 3 को प्लस करें तो 9 होता है, बट मैं आपको नंबर लाइन पे कैसे सॉल्व करके दिखा रही हूँ। 6, जो नंबर लाइन की स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से होती है? जीरो से। कहाँ से होती है? जीरो से। अब देखिए 0 to 6, 0 से हम 6 के पास गए, प्लस, आगे जा रहे हैं मतलब प्लस हो रहा है, पीछे आएंगे मतलब माइनस होगा। 6 नंबर हम आगे की तरफ गए, प्लस 3, अब वो बोल रहा है प्लस 3 मतलब 3 नंबर प्लस कर दो। अभी मैंने बताया आगे जाना मतलब प्लस करना, काउंट करो 1 2 3, 3 नंबर हम कहां चले गए? और आगे, प्लस 3। तो लास्ट में जो हमारा एंड हुआ वो देखो कौन से नंबर पर हुआ? 9। तो यहाँ पे हमारा आंसर भी क्या हुआ था? 9। अब मैं बताऊंगी आपको सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट करना 4 from 9। देखिए जब भी हमारे पास यहाँ पर फ्रॉम आ जाए तो हम किस टाइप से सब्ट्रैक्ट करते हैं? फ्रॉम के बाद में जो नंबर होता है उस नंबर को कहाँ लिखा जाता है? पहले लिखा जाता है 4। अब सब्ट्रैक्ट करना है माइनस 4, इट मीन्स क्या हुआ, 9 में से आपको क्या कट करना है? 4 को कट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? 9। तो हम कहाँ जाएंगे? देखिए 0 से हम कहाँ पर गए? 9 पर गए। फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा। अब सेकंड स्टेप, माइनस 4 करना है। क्या करना है हमें? माइनस 4। माइनस का मतलब अभी मैंने बताया आपको, बैकवर्ड आना है, पीछे आना है। 4 स्टेप पीछे आएंगे। देखिए 1 2 3 4, तो 4 स्टेप पीछे आए हम, कहां पर आए? यहां पर आ गए 4 स्टेप, माइनस 4। पहले प्लस 9, हम 9 स्टेप आगे गए थे। देखिए यहां पर कोई नंबर नहीं था। जब हमारे पास कोई नंबर नहीं होता तो वो हमारा क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर होता है, प्लस नंबर होता है। तो 9 स्टेप आगे गए, देन माइनस 4 था, हम 4 स्टेप के आगे पीछे। अब हमारे पास कौन सा नंबर आया? 5।
देन 9 कट 4 क्या हो गया 5, क्या हुआ हमारा आंसर। अब मैं बताऊंगी आपको मल्टीप्लिकेशन और नंबर लाइन। देखिए मल्टीप्लाई 3 मल्टी 5, अब हमें 3 को 5 से क्या करना है मल्टी, मतलब 3 के हमें 5 स्टेप बनाने हैं। कितने स्टेप बनाने हैं? 5 स्टेप। कहाँ से स्टार्टिंग होती है हमारी? 0 से। अब देखिए 0 से 3 1 स्टेप मल्टी 3, 1 2 3, नेक्स्ट 1 2 3 3 स्टेप मल्टी 3, अगेन 3 स्टेप 1 2 3, नेक्स्ट फिर अगेन 3 स्टेप 1 2 3 मल्टी 3, अगेन 3 स्टेप 1 2 3। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन से ही हमें क्लियर हो रहा है 3 मल्टी 5, 3 के कितने स्टेप बनाने हैं? 5, 1 2 3 4 5, देन 3 के 5 स्टेप बनाए तो एंडिंग नंबर हमारा क्या हुआ? 15। इट मींस 3 मल्टी 5 क्या हो जाएगा? 15 आंसर। थैंक यू।